अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आसिफ हुसैन। तो आप देख रहे हैं आसिफ हुसैन व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला व्लॉग है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब खमीस मशहद। तो इस जगह का नाम है शोहद। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पीछे मकान है। तो ये अभी हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम मिले जो अभी हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर हमें क्या काम करना है। तो चलिए आपको चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या काम है। तो यहाँ पे हमें छोटा सा एक काम मिला था कि यहाँ पे एक केबल डाल रहे हैं। तो उस केबल के लिए हमने यहाँ पे नीचे से पहले टाइलें हटानी है, फिर उनके ऊपर नई टाइलें लगानी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो ये जो अभी केबल पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वाली केबल, ये नीचे जो केबल पड़ी हुई है, ये वाली केबल उठानी है यहाँ से और यहाँ पे लगाने के लिए हमें दी हुई है कि यहाँ पे लगानी है। ये केबल हमें यहाँ पे नीचे लगानी है। तो अभी आप यहाँ से ये है कि टाइल जो जी नज़र आ रही है, ये वाली ये टाइल सीधी वहाँ तक तोड़नी है। तोड़ के ये वाली पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें जिस जगह पर केबल पड़ेगी और यहाँ से साइड पीछे ये आप गली देख सकते हैं पीछे नीचे, ये बिल्कुल ये सामने गली है, इसमें सीधा अंदर था, यहाँ से सीधा अंदर था। ये नीचे देखिए, यहाँ से ये वाली एक एक टाइल हम तोड़ेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा पीछे वो वहाँ था। तो चलिए कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, तो फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको कि कैसे काम होता है यहाँ पर। ये यहाँ से बिल्कुल सीधा पीछे जाएगी वहाँ से। तो ये यहाँ से सीधा बिल्कुल, ये जो एक टाइल है ना आपको नज़र आ रही है, ये वाली ये देखिए, ये वाली जो टाइल है ये सीधा पीछे जाएगी, ये सीधा पीछे 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 यहाँ तक, और यहाँ से सीधा सीधा यहाँ से यहाँ पर आएगी, और यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे शाम वो जहाँ पर निशान लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, तो ये बिल्कुल सीधा वहाँ से आएगी यहाँ पे तब्दील लगेगा। उसके बाद चलिए आपको बताता हूँ कि ये हमारे कटिंग होने के बाद वैसे तो ये मेरे साथ ये जो दूसरे भाग ये लगता है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली यहाँ पे डालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये यहाँ से सीधा ये यहाँ से सीधा ऐसे जाएगी, ये सीधा 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 इस तरह, और ये यहाँ से सीधा, ये यहाँ से सीधा 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 ये वाली टाइम, ये वाली ये यहाँ से ये और ये वहाँ पे सामने कोई बिजली का काम वगैरह वो करेंगे, इस वजह से यहाँ से ये हमें काट के हटानी है, और फिर वहाँ पे वो वाली जो आपको अभी केबल बताइए वो डालेंगे यहाँ। तो ये सीधा यहाँ ये देख सकते हैं, ये मेरी सामने टेबल बिल्कुल सीधा ये, तो यहाँ से काट के यहाँ से लाएँ, ये यहाँ से काटेंगे फिर यहाँ से ला के यहाँ पर डाल दें। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने इसको दिए कोई ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है। एक स्टोरी है, ठीक है, डबल स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी। तो बहुत ही प्यारा घर है माशाल्लाह। तो वो भाई अभी लगे हुए काट रहे हैं ग्राइंडर के साथ। तो ये पाइप है, ये वाला पाइप नीचे पहले डालेंगे, ये वाला जो पाइप आप नज़र आ रहा है ये वाला पाइप, ये पहले नीचे डालेंगे, फिर इस पाइप में वो वाली केबल, वो जो केबल है वो उठा के डालें। तो ये बिजली की केबल है तो यहाँ पर डालें। तो ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बहुत ही प्यारा घर है। ये देखिए आप, ये अभी हमने इसमें देखे ये ऐसे ऐसे लाइनें डाल दी और ऐसे भी,
ताकि अभी ये मैंने ये टाइल हटाने में आसानी होगी हमें। तो अभी देखिए आप, हम ये कैसे हटाते हैं। अभी ये बहुत ही आसानी से हट जाएंगी, क्योंकि अभी इस हमने ग्राइंडर के साथ यहाँ पे ये देखें डाल दिए, इस पर लकीरें वगैरह डाल दी, और वो जो पहले तरबीबा वगैरह मतलब कोटिंग वगैरह थी निकाल, अभी ये आसानी से निकल जाएगी। टूट रही हैं क्योंकि नीचे जो खल थप्पड़ हुए मतलब सीमेंट वो बहुत ही ज़्यादा डाला हुआ, वो इसमें से कुछ टूट नहीं और कुछ नहीं, इसी तरह कमल निकल गया। ये हमने इसमें निशान डाल दिए, ये सब ये रेंज आपको नजर आ रही है, ये देखिए ये हमने इसे पूरा वहाँ तक काट दिया, वहाँ तक सीधा वहाँ जहाँ तक केबल डालनी थी वहाँ तक हमने ये काट दिया। ये देखिए अभी इनकी दिन में आसानी हो रही है, ये बिल्कुल आसानी। बड़ी आसानी से ये निकल जाती है, तो ये यहाँ से सीधा वहाँ तक सीधा सीधा हमने काटे, ये आपको दिखा रहे तुम्हें, ये सीधा बिल्कुल सीधा, ये देखिए ये यहाँ पे तकरीबन दो लाइनें मतलब कि एक ये वाली टाइल भी निकलनी और ये वाली, ये इस तरह बिल्कुल सीधा हो, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा उस तरह। ये जो नीचे पहले ये सीमेंट वगैरह डाला है टाइल लगाने के लिए, तो ये भी हटाएंगे फिर बिल्कुल हटा के नीचे साफ करेंगे जगह को, तो फिर उसके बाद वो वाली केबल डालनी, वो जो आप नजर आ रहे वो केबल डालनी, तो वो बिजली वाले जो बंदे है वो ही डालेगा, लेकिन हम ये से टाइलें वगैरह हटाएंगे और यहाँ से ये बिल्कुल पीछे सीधे इसी तरह जैसे इस तरफ हमने काटे इसी तरह उस तरफ भी काटे हमें, वो सीधा पीछे गेट की तरफ, तो वहाँ से इस तरफ लेके जाते। तो ये अभी तकरीबन डेढ़ दो घंटे लग गए हमें यहाँ पे काम करते हुए, तो ये देखिए अभी हमने ऐसे बीच में से टाइल वो जो एक एक टाइल थी वो निकाल दी हमने, और जो सीमेंट वगैरह था वो भी हमने इसमें हटा दिए, तो अभी बिल्कुल ये साफ साफ कर दिया हमने जगह। तो अभी आज या कल वो बिजली वाला आएगा, वो इसमें ये वाली केबल डालेगा, वो जिसको मैंने आपको बताई थी पहले, ये देखें वो जो सामने रखी हुई नीचे केबल, वो वाली केबल डालेंगे, तो वो केबल डालेंगे तो फिर उसके बाद हम इस पर दोबारा से टाइल लगा देंगे। तो कल अगर वो केबल डाल देते हैं तो फिर हम इस पर टाइल लगा देंगे। तो ये आपको इस तरफ मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये बिल्कुल मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये बिल्कुल सामने यहाँ से अभी हमने टाइलें वगैरह हटा दी हैं, तो वो जो नीचे सीमेंट वगैरह था वो भी हमने हटा दिए। चलिए आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ से केबल अंदर जाएगी, तो ये देखें रुकिए सब्र कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लें, ये देखें यहाँ से केबल अंदर जाएगी, ये अभी हमने यहाँ से हटाए, तो ये देखें ये केबल सीधी वो आ गए वो दरवाजे तक, और फिर वहाँ से नीचे से यहाँ से ये यहाँ पर भी एक तो बलून लगेगा शायद यहाँ पे, ये देख लिया ये इस जगह पे शायद वो बिजली वाला बोल रहा था, तो अभी ये सऊदी आएगा तकरीबन, तो उससे फिर बात होगी। तो ये अभी हमें तकरीबन एक आज का दिन लग गया तकरीबन, अभी टाइम हो गया है एक बजने वाले यहाँ पे, अभी सऊदी अरब में एक बजने वाले, तो सुबह हमने तकरीबन 8 बजे शुरू किया था, तो 8 बजे हमने शुरू किया, तो अभी तकरीबन 1 बज गए, तो हम 2 बंदे थे, तो 2 बंदों ने हमने ये इतना काम किए सुबह से लेकर अभी तक, ये इतना काम हुआ, ये टाइलें वगैरह हटाई हैं, फिर उसके बाद ये जो नीचे सीमेंट था वो भी हटा दिए, तो तकरीबन 2 बजे तक हम लोगों ने काम किए, तो अभी तो और काम नहीं है हमारा, तो कल जो बंदा आएगा वो केबल यहाँ पे डालेगा, वो जो सुबह मैंने केबल डाली थी वो याद आया मुझे, मैं सॉरी बताना भूल गया था, केबल से पहले ये पाइप डालना पड़ेगा उसे, ये वाला पाइप आप देख रहे हैं,
ये वाला पाइप डालेंगे, इस पाइप के अंदर फिर वो केबल डालेंगे। रुकिए आपको मैं केबल भी बता देता हूँ कैसी है। तो ये सऊदी अरब में ये वाली केबल, ये देखें ये वाली केबल, ये वाली केबल वहाँ पे नीचे डाली जाएगी, वहाँ से फिर उस पर सारी। तो अभी हम खाना खाने लगे, तो चलिए आपको ये बताता हूँ कि सऊदी अरब का खाना कैसा होता है यहाँ पे प्रदेश में। तो जो लोग यहाँ पे रह के नहीं गए हैं, नहीं गए हैं जो लोग मतलब सॉरी जो लोग यहाँ पे रह के गए उन्हें तो पता होगा कि सऊदी अरब का खाना कैसा होता है, और जो लोग यहाँ पे नहीं आए तो उन्हें आज बताते हैं कि यहाँ के सऊदी अरब का खाना कैसा होता है, जो हम काम पे होते हैं जब तो खाते हैं तो। और ये कितने रियाल का आता है ये भी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है और कितने रियाल का आता है। तो ये सऊदी अरब का खाना, तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। ये यहाँ के चावल, तो चावलों को सऊदी अरब में अरबी ज़बान में रुज़ कहते हैं, चावलों को अरबी ज़बान में यहाँ पे रुज़ कहते हैं। तो ये 20 से तकरीबन 20 रियाल के चावल होते हैं, उसमें एक ये तकरीबन लीटर वाली एक डीओ या कोई भी आप बोतल ले सकते हैं, मतलब कोई भी, तो उसमें कोई भी आप ले सकते हैं। तो एक ये होती है लीटर वाली कोई भी बोतल, एक कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं आप साथ में। तो साथ में ये होता है इसके साथ यहाँ पर सऊदी अरब में से कहते हैं शुआया। तो ये ऐसे रोस्ट की हुई एक मुर्गी होती है, सॉरी रोस्ट नहीं होती लेकिन मशीन में बुनी हुई होती है, मशीन में बनी होती है, तो ऐसे यहाँ पे कहते हैं शुआया। तो काफ़ी मज़ेदार होता है। साथ में ये कुछ सब्ज़ी वगैरह भी होती है, चलें आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। ये देखें ये साथ में लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है साथ में, और एक ये एक लीटर वाली बोतल, साथ में ये 20 रियाल के चावल, और तकरीबन टोटल 25 रियाल लेते हैं हमसे। तो उसमें ये चावल भी होते हैं, ये पूरी नुस मुर्गी होती है, ऐसे हाफ मुर्गी कहते हैं, हाफ चिकन। तो ये हाफ शुआया है मेरे पास अभी, तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। रुकिए आपका मैं टेस्ट करके बताता हूँ। ये ऐसे ये साथ में डालेंगे थोड़ा सा प्याज लेंगे, और ये ऊपर नींबू, और ये साथ में ऊपर थोड़े से लोबिया डालेंगे। तो रुकिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि यहाँ कैसी होती। तो आप थोड़ा सा मेरे फेस पे लगाइएगा भाई। तो ये मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ, देखिए ये देखिए बड़े जूसी सा होता है ये चिकन जो है यहाँ पे, बड़े जूसी सा, ये शुआया कहते हैं इसे अरबी ज़बान। तो ये अभी देखिए ये ज़बरदस्त, यकीन करें काम करने के बाद, और ये शुआया का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो खा के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। आप भी कभी सऊदी आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा शुआया। तो मुझे खांसी लगी सॉरी। तो ये साथ में नींबू, एक ज़बरदस्त जायका बन जाता है इसका। ये देखें ये साथ में लगा के ऊपर नींबू डाल के, और ये लोबिया हाथ से ही डाल देंगे, यहाँ पे चम्मच वगैरह नहीं है पास में। तो ये देखें रुकें, ये ऐसे लुकमा बनाया, और ये ज़बरदस्त। तो अभी मैं खाना वगैरह खाता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो भी करने वाले हैं क्योंकि ये वाला काम कंप्लीट हो गया। तो आज के ब्लॉग में इतने ही, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि हमने सऊदी अरब में ये दो मर्दों ने दो दिन काम करके तो कितना पैसे मिल जाते हैं हमें, मतलब ये टाइल का काम करते हुए। हम दो बंदे थे तो आज सुबह 8 से लेके अभी 1 बजे तक हमने काम किया, और कल तकरीबन कल भी इतना ही टाइम लग जाएगा तो हम काम करेंगे। तो फिर मैं कल की वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम दो दिन में सऊदी अरब में दो दिन में टाइल का काम करके दो बंदे कितना कमा सकते हैं, और एवरेज हम दो दिन में कितना कमा लेते हैं इस काम से। ये छोटा सा काम था तो तकरीबन हमने इतना तो चलिए अभी नहीं, तो कल जब हमको यहाँ से पैसे वगैरह मिल जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये हमने काम किया और इसका हमें कितने पैसे मिले। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। तो हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मैं आपको बताऊँगा कि हमें यहाँ से कितने पैसे मिले। तो मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।